जिले के दो होनहार युवाओं ने पूरे देश में जिले का नाम रोशन करते हुए डंका बजा दिया है। आपको बता दें, स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नितेश कुमार साहू को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समारोह में नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए विटल दह के संकुल समन्वयक सूरत कुमार डडसेना को भी दिल्ली में अवार्ड दिया गया। आइडियाज मांगा जाता है, उसमें मैंने अपनी आइडिया हरियाली क्लब योजना के अंतर्गत भेजी थी, जिसका जिसे उच्च स्तर पर वहाँ स्वीकार करते हुए मुझे वहाँ मानव संसाधन मंत्री जो है रमेश चंद्र पोखरियाल जी के द्वारा सम्मानित किया गया। विकास के लिए मैंने कार्य किया था 2014 में, जब मैं गुरु घंटा के विद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ तो मैंने केंद्रीय विद्यालय में युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए काम किया, लेकिन मेरे को लगा कि अपना जो कार्य का क्षेत्र उसके बढ़ाना चाहिए, तो मैंने ग्राम में बहुत हर्षोल्लास का विषय है, खुशी का विषय है, ऐतिहासिक दिन है। लोरमी के इतिहास में आज का दिन गौरवशाली के रूप में देखा जाएगा। कि ऐसे दो युवक जो सामाजिक क्षेत्र भी और शिक्षक क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिसे हमें गर्व महसूस हो रहा है। आज इसी तारतम्य में आज दोनों का, भाई नितेश साहू जी का, हमारे मित्र शरद डरसेना जी का सम्मान आज लोरमी की जनता का। खबर कांकेर से।